हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने आईफोन में यूट्यूब के बैनर को कैसे चेंज कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपने YT स्टूडियो के अंदर। अगर आपके पास YT स्टूडियो नहीं है तो आपको आ जाना है ऐप स्टोर पर, और ऐप स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होएगा। देन राइट में डाउन की तरफ आपको सर्च का आइकन शो होगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। टॉप सेंटर में आपके पास सर्च बार शो होगी, इसके ऊपर आपको टैप करना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है YT स्टूडियो। सिंपल YT स्टूडियो टाइप करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है, और YT स्टूडियो को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से डाउनलोड है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए, जितने भी बग्स वगैरह होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। देन आपको YT स्टूडियो की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपकी जो YT स्टूडियो की एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास आपकी प्रोफाइल शो होगी छोटी सी, सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग टैप करोगे तो आपकी प्रोफाइल और आपका यूज़र नेम और नेम सिंपल आ रहा होगा, और इसके आगे पेंसिल का आइकन शो रहा होगा, सिंपल आपको पेंसिल के आइकन के ऊपर टैप करना है। और आपके सामने यहाँ पे कवर फोटो आ रही होगी, नीचे आप लोगों के पास नेम शो रहा होगा, और उसके बराबर में प्रोफाइल पिक्चर होगी, सिंपल आपको कवर फोटो के ऊपर टैप करना है। कवर फोटो के ऊपर टैप करने के बाद चूज फ्रॉम योर फोटोज़ का ऑप्शन शो होगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है, और इसके ऊपर टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पर आके कोई भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो और वो आपके कवर फोटो पे सेट। लेकिन एक साइज़ होता है आपकी कवर फोटो का, सिंपल उस साइज़ के ऊपर आपकी कवर फोटो होना लाजमी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।